जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हाल के दिनों में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई यह कंपनी और इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कैसी है, क्या अभी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा नहीं, या जिन लोगों ने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है उन्हें क्या करना चाहिए, और जो नए लोग अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उनके लिए कब सही समय हो सकता है इसमें एंट्री लेने की, इन सभी मुद्दों को आसान भाषा में समझेंगे। साथ में यह भी समझेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का फ्यूचर कैसे होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर अभी अच्छा होगा उसी के बेसिस पर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। यह भी समझेंगे कि प्राइस लगातार नीचे किस वजह से आ रहा है और प्राइस कब तक नीचे आ सकता है, कब इसमें तेजी बनेगी, सारी बातों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत एकदम हम लोग शुरू से करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंपनी काम क्या करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को जो कि फाइनेंस के सेक्टर में कारोबार करती है। और मुकेश अंबानी का यह प्लान था, लगभग सभी सेक्टर में मुकेश अंबानी की कंपनियां लिस्टेड है, सिर्फ एक फाइनेंस के सेक्टर में लिस्टेड नहीं थी। इसलिए मुकेश अंबानी ने दिमाग लगाया और लेकर आए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये फाइनेंस के सेक्टर देखिए आने वाले समय में काफी ग्रो करने वाला है, क्योंकि आपको पता है आज के दिन में शायद ऐसा कोई घर होगा जिस घर में ईएमआई ना चल रही हो। और ईएमआई ये कौन देती है, ईएमआई बैंक से ज्यादा आजकल जो एनबीएफसी कंपनियां होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो वो ईएमआई प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें ज्यादा झिकझिक नहीं होता है। लोन इस ईएमआई कंपनी में लोन इजिली मिल जाता है, तो आने वाले समय में लोग और भी ज़्यादा लोन लेना चाहेंगे अपनी ज़रूरत को, क्योंकि आजकल जरूरत से ज़्यादा दिखावा लोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दिखावा करने के लिए लोगों को पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से मिलेगा, तो लोग ईएमआई से जिन्हें पैसा मिल जा रहा है तो कहीं और जाने की लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बेसिस पे भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस स्टॉक में तेजी बनेगी। अब सवाल यह है कि अभी इस कंपनी का प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, चलिए इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमें इस कंपनी का फंडामेंटल समझना होगा, और फंडामेंटल में सबसे पहले देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 1,37,169 करोड़ रुपए के आसपास। सबसे पहला जो मेन बात है, ये कंपनी अगस्त मंथ में इसी साल के अगस्त मंथ में लिस्ट हुई थी। स्टॉक मार्केट काफी हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हो गया था। सबसे पहला तो रीजन ये कि हाई प्राइस पर लिस्ट हो गया था, और लिस्ट होने के बाद लोगों ने जहां प्रॉफिट बुक करना शुरू किया उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आने लगा, ये एक रीजन हुआ। दूसरी बात, 5,456 रुपए के करीब स्टॉक का पी है। क्या इतना महंगा किसी स्टॉक का पी होता है, पी रेशियो होता क्या है, यदि आसान भाषा में बताएं तो पी का मतलब होता है प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो, आप कितना रुपया लगाएंगे और कितना मिलेगा। सामान्यतः तो पी रेशियो 2 डिजिट में होता है। 2 डिजिट में होने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी स्टॉक का पी मान लीजिए 10 से 30 के बीच में है तो उससे ज्यादा बेहतर माना जाता है। स्टॉक का पी जितना सस्ता होता है उतना अच्छा क्यों होता है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का पी यदि 10 से 30 के बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये कमाने के लिए यदि किसी स्टॉक का पी 10 है तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, यदि किसी स्टॉक का पी 30 है तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए आपको 30 रुपया देने पड़ेंगे। अब आप बताइए आप कौन सा इसमें से सिलेक्ट करेंगे, जिस स्टॉक का पी 10 हो आप वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये कमाने के लिए आपको 10 रुपया देना पड़ रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 1 रुपये कमाने के लिए 5,456 रुपये देने पड़ रहे हैं। क्या ये कहीं से भी जायज है, बिल्कुल जायज नहीं है। यही सबसे बड़ा मेन वजह है इस स्टॉक के शेयर प्राइस में इन आज के दिनों में प्राइस नीचे आने का। एनबीएफसी की जो दूसरी कंपनी है जो इस सेक्टर की टॉप कंपनी है उनका पी कितना है, चलिए एक बार वह भी देख लेते हैं। तो इस सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, इनका यदि आप पी देखेंगे तो इनका पी देखिए 10 से और सिर्फ डबल डिजिट में इनका पी आपको देखने को मिलेगा, जबकि वहीं पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का जो पी है 5,000 के आसपास चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अभी इस वैल्यूएशन पर इसमें पैसा लगाना नहीं चाहेगा। अब चलिए इस कंपनी का एक बार शेयर प्राइस देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है। तो कंपनी जब लिस्ट हुई इस अगस्त मंथ में, तो लिस्ट होने के साथ ही प्राइस नीचे आने लगा था, लेकिन फिर थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद से प्राइस लगातार नीचे आ रहा है। अब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आया है। देखिए यदि 210 के नीचे जाता है, हालांकि नीचे जाना तो उतना जल्दी नहीं चाहिए, लेकिन नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, क्योंकि जितना नीचे जाएगा स्टॉक का वैल्यूएशन कम होगा तब लोग इसमें एंट्री लेना चाहेंगे। लेकिन अभी इस वैल्यूएशन पर आपको इसमें एंट्री लेना बिल्कुल सही नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं लिया है थोड़ा और इंतजार कीजिए, आप वेट कीजिए सही समय आने का, खासकर स्टॉक का पी कम होने का। जहाँ पे पी कम होते हुए दिखेगा आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई कन्फ्यूजन या सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।